नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम गुवाहाटी में, असम। आज यहां पर दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गांधी मंडप विजिट करके। मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया था, अभी 7 बजे का टाइम है। आधे घंटे से मैं थोड़ा टहल रहा था, सराउंडिंग्स देख रहा था। तो मैंने यहाँ की सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करी कि यहाँ पर इस समय काफ़ी लोग एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर व्यू देखने के लिए भी आए हैं। तो वैसे यहाँ पर ना गांधी जी का म्यूज़ियम है, तो गांधी जी यहाँ पर आए थे, 2 बार आए थे, और यहाँ पर उनकी याद में ये म्यूज़ियम को बनाया गया। 10:00 से 6:00 बजे तक ये म्यूज़ियम के टाइमिंग्स हैं। अभी कोविड के बाद म्यूज़ियम रीओपन नहीं हुआ। सराउंडिंग्स आप देख लो, इसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। गांधी मंडप जो जगह है ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, आप 5-7 मिनट में घूम सकते हो और यहाँ पर आधा एक घंटा बिता सकते हो। यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो है, इधर से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखो नीचे पूरा गुवाहाटी शहर दिखाई दे रहा है। ये देखो आप सिटी व्यू, जहाँ पर आपको लास्ट बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, फॉग होने की वजह से हम उससे आगे नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके आगे ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के उस पार चले जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे नॉर्थ गुवाहाटी। अच्छा रहा हमारा यहाँ पर विजिट, दिन की अच्छी शुरुआत हुई है। अब चलकर सबसे पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद दिन भर घूमेंगे। गांधी मंडप से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम थोड़ा नीचे की ओर आ चुके हैं। अभी मैं उग्रतारा मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। मैं अभी टेंपल के अंदर गया, मैंने यहाँ पर शक्तिपीठ के दर्शन करे। बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर शक्तिपीठ किसी ने बनाया नहीं है, ये आदि काल से है। यात्री यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। टेम्पल के बाहर ही यहाँ पर एक पौंड है। पौंड दिखाने से पहले मैं आपको ये स्टोन दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, स्टोन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अर्ली 17th century की है। तो यहाँ की जो रानी थी उन्होंने टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, और सामने जो आप टैंक देख रहे हैं पॉन्ड, ये यहाँ की रानी ने बनवाया था। मुझे तो किसी ने बताया कि आप जब यहाँ आओगे ना तो आपको 90-year-old टर्टल देखने को भी मिलेगा, और 10-20 टर्टल नहीं है, 100, 150, 200 से भी ज़्यादा टर्टल्स हैं यहाँ पर। लेकिन अभी सुबह का टाइम है ना, तो शायद टर्टल इतना अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे वापस यहाँ पर आएँ जब अच्छे से धूप निकली और टर्टल को देखें। डक्स बहुत सारे दिखाई दे रही, देखो उस तरफ कितनी सारी डक्स हैं। चलो अब चल के नाश्ता करते हैं और कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पर आएँ। नाश्ता करने के लिए हम जेबीज पे आए हैं, एमजी रोड फैंसी बाज़ार के जस्ट बाहर। यहाँ पर लोग कचौड़ी भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और पूरी और दम आलू भी खाते हैं। तो मैंने अपने लिए पूरी दम आलू लिया। टेक्सचर आप देख लीजिए, आलू दम और हरे मटर की पूरी है ये। तो हरे मटर को मिलाकर इसको तैयार किया गया है। आओ जी, ओवरऑल मुझे लगता है 3 पूड़ी एक अच्छा और हैवी ब्रेकफास्ट है, क्योंकि मटर है ना साथ में, तो एक तरह से गुड ब्रेकफास्ट। नाश्ता फिनिश करने के बाद हम उमानंद टेंपल विजिट करने जा रहे हैं। हमें यहाँ से नज़दीक में ही 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना है, वहाँ से फेरी लेंगे और फिर हम वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड पे जाएंगे, वहाँ पर उमानंद टेंपल है। तो अब आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं फेरी पॉइंट पहुँचने के बाद। भागते भागते हम फेरी पॉइंट तक पहुंच गए हैं। 20 रुपये पर पर्सन हमने टिकट निकाल ली। हमने तो आके देखो ऑफलाइन टिकट निकाली है, लेकिन अब पता चला है कि ऑफलाइन में एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा टिकट नहीं निकालते, तो ऑनलाइन निकाल के आएंगे तो बेहतर है। सामने देख लो रिवर आइलैंड, जहाँ हमको जाना है ना वो सामने दिखाई दे रहा है।
ऊपर रोपवे दिखाई दे रही है आपको, ये रोपवे अभी 2-2.5 साल पहले ही बनी है। तो ये यहाँ से आप ना नॉर्थ गुवाहाटी जा सकते हैं। तो सामने जो लैंड एरिया है वो नॉर्थ गुवाहाटी है। आज हमारा दोपहर में प्लान है कि वहाँ पर भी हम जाएंगे। इस यहाँ से आके समझ में आ गया कि जब हम वहाँ से वापस इस तरफ को आ रहे होंगे तो हम इस रोपवे से आएंगे। लो जी, आइलैंड तक पहुँच गए। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर दर्शन करके अभी मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। आपको मैं स्थान की कथा के बारे में बताता हूँ। ऐसा कहते हैं यहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का योनिपीठ है जिसके हमने अंदर जाके दर्शन करे। कहते हैं द्वापर युग में यहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था। माँ पार्वती का दूसरा नाम उमा देवी है और भगवान शिव आनंद के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसलिए इस स्थान का नाम है उमानंद। यहाँ पर योनिपीठ और शिवलिंग कहते हैं आदि काल से है। तो यात्री यहाँ पर बहुत दूर से आते हैं क्योंकि स्थान की बहुत महानता है। आउटसाइडर तो यहाँ पर नहीं रहते, ना ही शॉपकीपर्स रहते हैं बाहर जिनकी शॉप्स हैं। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं 7 या 8 वो लोग यहाँ पर रहते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं। 10:30 को हमें रिटर्न फेरी मिलेगी और 15 मिनट के अंदर हम वापस जेटी पॉइंट पहुँच जाएंगे। अब हम फेरी से वापस लौटकर आ चुके हैं। अब हमारा प्लान ये है, यहाँ से हम आधे घंटे का सफ़र करके दिसपुर जाएंगे। दिसपुर असम की कैपिटल है, वहाँ पर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, सेक्रेटरीट भी दिसपुर में ही है। वहाँ जा रहे हैं हम टी ऑक्शन सेंटर देखने के लिए। मेरे को किसी ने बताया वहाँ पर टी लॉन्च भी है, आप टी टेस्टिंग भी वहाँ पर कर सकते हो। आइए जी दिसपुर को चलेंगे। अभी हम दिसपुर में गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर दीपांजल जी हैं, प्रियानुज जी, तो सेक्रेटरी ऑफ दिस टी ऑक्शन सेंटर। मैं एक्चुअली कल शाम को यहाँ पर आया था, हमारी इनसे कल मुलाकात हुई थी, मैंने परमिशन ली थी कि हम यहाँ पर आके टी ऑक्शन कैसे होती है वो देखना चाहते हैं। कैन वी फर्स्ट गो एंड हैव अ लुक एट हाउ टी ऑक्शन एक्चुअली हैपन्स? यस प्लीज। एक्चुअली क्या होता था 2010 तक यहाँ पे बायर्स पूरा फिल्ड रहते थे, 300-400 बायर्स सब अपना अपना बिड्स मारते थे, तो विनिंग बिडर को फिर चाय मिलता था। 2010 से क्या हो गया, ई ऑक्शन सिस्टम हो गया, जो कि मतलब आपका NACIT का प्लेटफॉर्म, NACIT ने डिज़ाइन किया है, उस प्लेटफॉर्म में चलता है। तो अभी क्या है, एवरीवन कैन बिड फ्रॉम देयर ओन ऑफिस। तो जैसे वो शेयर मार्केट में चेंज हुआ, पहले कैसे होता था शेयर मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेडिंग और आज कैसे होता है, तो अभी जो टी ऑक्शन होती है, दिस हैपेंस डेली और कितनी फ्रीक्वेंसी? इट हैपेंस ट्वाइस अ वीक, 2 days a week, मतलब इट्स वन सेल बट 2 दिन होता है, कभी कभार आपका 2.5 दिन हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ टीज दैट आर अवेलेबल एट आवर रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस। तो हम कहीं स्क्रीन पे ऑनलाइन देख सकते हैं ऑक्शन होते हुए? यस श्योर, आपके लिए स्क्रीन ऑन करके रखा हुआ है। सो दिस इज द मार्क नेम, देन कम्स द पैकेजेस। मार्क नेम मतलब सेलर, हाँ गार्डन का जो ब्रांड नेम है। अभी ये स्क्रीन जो चेंज हुआ है, मतलब एक सेशन चला गया, 1 मिनट का एक सेशन चला गया। नंबर ऑफ पैकेजेस, फिर हाईएस्ट HBP इज हाईएस्ट बिड प्राइस, जो बायर्स आपका बिड मारते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट बिड है वो दिखाता रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका स्टेटस, जैसे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 green है और बाकी आपका हाईलाइट नहीं हुआ है, तो ग्रीन हुआ है मतलब जो एक ऑक्शनियर ने आपका जो रिजर्व प्राइस रखा था कि इसके नीचे हम लोग नहीं बेचेंगे, वो वाला प्राइस मीट हो चुका है। तो एक बार वो मीट होने के बाद मतलब वो चाय आपका सोल्ड हो गई टू द हाईएस्ट बिडर। एक सेशन कितना देर के लिए ओपन होता है? 1 minute and 6 lots। अच्छा, तो 1 minute के अंदर हाईएस्ट बिड इज क्लोज्ड। हाँ फैंटास्टिक।
सही है, मैंने एक्चुअली स्क्रीन चेंज हो गया, पहली बार ऐसा, ऑब्वियसली टीम में तो कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं है शेयर तो फिर भी चलो देखते हैं, हम ऑनलाइन पीपल लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि 2010 से पहले ये ऑडिटोरियम पूरा फुल होता था ऑक्शन के टाइम, हाँ, और सब उस तरह में बहुत हल्ला टाइप्स होता होगा, एकदम बिडिंग हो रही है, जैसे शोर से बहुत हल्ला होता, 2-3 सोल्ड नेक्स्ट बिड, हाँ, है ना। अभी हम वापस टी लॉन्च तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ना चाय में बहुत सारी वैरायटी मेरे को देखने को मिल रही है। दिस एंटायर थिंग इज यू नो लाइक फॉर ऑर्थोडॉक्स वेयर यू नो लाइक वी गॉट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीज लाइक रादर हलमारी गोल्ड एंड ऑल। इफ यू कम आउट हियर इफ यू सी देयर आर ऑब्वियसली ग्रीन टीज आउट हियर देन वी गॉट यू नो लाइक व्हाइट टीज यू नो हियर। अच्छा, ये मैं व्हाइट टी देख रहा हूँ, 30 ग्राम्स फॉर 400 रुपीज, फॉर 400 इसका प्राइस ज्यादा होता है ना। दिस इज पर्पल टी, that is purple tea, to so, iska color purple hota hai kya? Yeah, the leaf itself is in the purple and it is grown in only one or two places in Assam basically. I'll buy this 200 grams, what is the price? It will be around 180 for 200 grams. Theek hai, I'll buy two packets for myself. Abhi dekhiye do chai hai jo hum drink kar rahe hain, ye hai white tea aur ye hai yellow tea. Yellow white tea का प्राइस है 800 रुपीज़ और येलो टी का प्राइस है 1200 रुपीज़, और इसमें एक पॉट टी आता है जिसमें दो लोग पी सकते हैं। तो मैं मेन्यू में देख रहा हूँ कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस है दैट इज़ 100 रुपीज़ ब्रिस्क असम CTC, तो अगर कोई लेता है तो ऐसे ही पॉट में सर्व करते हैं। यस, और साथ में ऐसा कुकीज, द कुकीज इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिश। ग्रेट, तो चाय टेस्ट करते हैं। यस ऑफ कोर्स, तो बट बड़े चुन चुन के इस्तेमाल किए गए हैं। एब्सोल्युटली, एंड सिंस दिस इज मोर ऑफ अ लिकर so always you know like it goes better with honey. तो white tea में antioxidants ज़्यादा होते हैं ना? Basically the slight difference between different categories for antioxidants is because processing थोड़ा हल्का हल्का changes ज़्यादा था, जैसे कि किसी में आपका fermenting antioxidation process ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। हाँ, एक बार हम लोग केरला में मुन्नार गए थे, वहाँ मैंने देखा था white tea को बड़ा leaf by leaf handle अलग से करना पड़ता है। Yes, yes. कम से कम शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वाइट टी का टेस्ट जो है ना बहुत सटल है, और मे बी आफ्टर 5 मिनट्स यू आर डन विद द टी तो निकल जाएगा टेस्ट, हैंग नहीं है कि आपको एक घंटे तक लगेगा मैंने चाय पी है, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी। क्वाइट डिफरेंट, अभी क्या है सिटिंग देयर इन नॉर्थ इंडिया ना, वी आर सो मच यूज टू ड्रिंकिंग दैट वो मिल्क और काड़ काड़ के चाय बोलते हैं ना, तो फॉर अस दिस इज मतलब डेवलप करना पड़ेगा हमको धीरे धीरे, बट यस येलो टी। येलो, थैंक्स। इसमें मैं बिना हनी के टेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई, तो वरना क्या वो हनी डोमिनेट कर लेता है। अच्छा एक बात है, वाइट टी बहुत ज्यादा माइल्ड थी, ये माइल्ड नहीं है, ये थोड़ा सा फील होता है कि यू हैव जस्ट हैड टी। यस, बड़ा सेटिस्फाइंग टेस्ट है। तो जैसे बोलते हैं ना आओ कॉफी पीने चलते हैं, तो आओ चाय पीने चलते हैं। सही है, हमारा यहाँ पर आके टी टेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और साथ में जो हमने टी ऑक्शन सेंटर देखा, टी बिडिंग कैसे हो रही है लाइव स्क्रीन पे, ये भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। आपने कुछ देर पहले मुझे बताया कि ये जो टी ऑक्शन सेंटर है गुवाहाटी में, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, तो बाय द वे लार्जेस्ट टी ऑक्शन सेंटर कहाँ है? द लार्जेस्ट ऑक्शन सेंटर इज इन मुंबासा केनिया, बिकॉज आसपास का कंट्रीज आल्सो ऑक्शन करते हैं उधर, एंड इट्स वोलुका, इट्स अ सोल ऑक्शन सेंटर, वेयर इज इन इंडिया वी गॉट अराउंड 5 ऑक्शन सेंटर्स है, उसमें से दिस इज क्वाइट बिगेस्ट। लास्ट ईयर हम लोग ऑलमोस्ट 204 मिलियन केजीज वाज ऑक्शन आउट हियर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं ना अगली बार जब असम आऊँगा ना, कब आऊँगा मुझे नहीं पता, जब भी अगली बार आऊँगा तो मैं ना एक फार्म विजिट करूँगा, और वहाँ मैं दोबारा से जैसे हमने मुन्नार में केरला में किया था ना, वैसे मैं फार्म में पूरा दिखाऊँगा चाहे वो लोग कैसे तैयार करें, क्योंकि ये तो एंड प्रोडक्ट है, तो वो हमारे लिए अच्छी लर्निंग होगी, तो मतलब पीछे का भी देख लेंगे ना सिस्टम कैसा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू।
सुबह जहाँ से हमने उमानंद जाने के लिए फेरी ली थी ना, अब हम लौट कर उसी जगह वापस आ चुके हैं। मेरे साथ इस समय कौशिक भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। इनके रिवर क्रूज का नाम है MV अयोध्या। सामने आप बोट देख लीजिए। 2 से 2.5 घंटा का ये हम क्रूज जर्नी करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि हम नॉर्थ गुवाहाटी उतर जाएं, और लंच भी नहीं किया हमने तो लंच भी कर लेंगे। फिर वहाँ से कोशिश करेंगे अगर रोपवे बंद ना हो जाए तो हम रोपवे पे वापस आए। राइट, चलेंगे। रिवर क्रूज का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, काफ़ी सही लग रहा है। अभी देखो हम लैंड से कितना लगभग 200 मीटर आगे आ चुके हैं। नॉइज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये डाइनिंग सेक्शन है। मुझे अपना रहने की सुविधा दिखा दीजिए, कैसी है? ये आपका टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 5 नंबर ऑफ रूम्स। सो सब रूम का साइज एक ही है। अच्छा, सही है, रूम तो कंफर्टेबल है। तो ये भी देखो एक एक्सपीरियंस है कि क्रूज में रुकना, मैं कभी रुका नहीं हूँ क्रूज में। हम जब केरला गए थे ना तब मेरे माइंड में था कि अलपी में बैक वाटर्स रिवर क्रूज करूँ, लेकिन तब वो माइंड में था लेकिन मैंने किया नहीं। और एक बार के लिए लगा कि गुवाहाटी आ रहा हूँ तब करूँ, लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया रहेगा, 2-2.5 घंटे का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये हम लोग का अपर डेक है शिप का। वाओ, कितनी सही फीलिंग आ रही है। ये सामने उमानंद आइलैंड ना? राइट, उमानंद आइलैंड। मॉर्निंग में हम इधर ही तो आए थे। यहाँ पर खड़े होकर जो हवा का एहसास है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अगर कोई ओवरनाइट क्रूज करता है तो सुबह के समय जब सनराइज हो तो आप यहाँ बैठ के सनराइज देख रहे हो अपने सामने, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। वाओ, सही है। जैसे आपने बताया कौशिक भाई कि ओवरनाइट क्रूज भी होता है। राइट, अलग अलग आपके प्लान्स हैं। राइट, तो ओवरनाइट क्रूज करने का एक एवरेज कॉस्ट क्या है? बिकॉज वो तो प्लान के हिसाब से ना कहाँ जाना चाहते हैं, बट स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग हम लोग का 10,500 है फॉर 2 persons पर रूम। उसमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट आ जाते हैं, तीनों मील्स इंक्लूड हैं। और वो लार्जली 24 आवर्स टाइप होता है। राइट, और डे क्रूज भी लोग करते हैं जैसे हम कर रहे हैं 2 घंटे के लिए? करते हैं, 3 घंटे 5 घंटे पिकनिक जैसे, तो उस लेकर करते हैं। ऑब्वियस है, फिर कितना करना चाहते हो और आपको मील करना नहीं करना, कॉस्ट उस हिसाब से। राइट। और रात में क्या करते हैं, इसको आइलैंड में डॉक कर देते हैं? हाँ, हम लोग ऐसे आइलैंड पे जाते हैं जो कुछ भी ह्यूमन हैबिटेशन है नहीं, तो उधर में हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज रहते हैं, बीच वॉलीबॉल, सॉकर, और रात को बारबेक्यू, टेलीस्कोप भी है। नाइस, गुड। आओ अंदर की तरफ चले। लंच में तो आपने काफ़ी कुछ रेडी कर दिया, तो ये हमारे लिए करवाया है, नॉर्मली भी रहता है? नहीं, ये एज पर डिमांड हिसाब से हम लोग देते हैं। ग्रेट। तो दाल, फिश, दाल, ये इन्होंने बताया चिकन विद बनाना फ्लावर। राइट, और ये आपने बताया खीरे का खार। हाँ, ये खीरा का खार तो बड़ी नई चीज़ है मेरे लिए। सही है। ये क्या टमाटर से कुछ है? हाँ, ये बिलाही टॉक बोलते हैं। बिलाही टॉक, ये कुछ साग, लोकल साग, बैंगन। ग्रेट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खीरे के खार से। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। अगर खार क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं, वो जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा माजुली का एपिसोड आप देखो। आज से मैंने 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, वहाँ मैंने खार कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस दिखाया था माजुली जाकर। किसी को नहीं बताएंगे ना कि ये खीरे का खार है तो बहुत डिफिकल्ट है गेस कर पाना। और साथ में क्या है इसमें? मछली। मछली, फिश? हाँ, फिश। अच्छा, क्या स्वाद है, जबरदस्त। थैंक यू। ये कैसे भरता है ऐसा बना जो इतना बड़ा, इतना डिफरेंट टेस्ट है? ये स्मोक किया है इसीलिए। इसको बोलते हैं माती मत दाल। आपके यहाँ टोटल कितने लोग का स्टाफ है जो हमेशा क्रूज में जाता है साथ में? जो हमेशा जो इधर में 7 मेंबर्स रहते हैं। अच्छा, hmm.
बड़ा यूनिक टेस्ट है. चिकन विद बनाना फ्लावर, कोल्डिल बोलते हैं एसएमएस टर्म में. कोल्डिल ये क्या है? ये ओटेंगा बोलते हैं. ओटेंगा एलिफेंट एप्पल बोलते हैं ना, राइट इंग्लिश नेम. सही है. तो यहाँ पर ओटेंगा को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. मुझे याद है जब मैं पिछली बारी आया था ना, तो बड़े सारे फिश कॉम्बिनेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है और एक खट्टा इसका स्वाद होता है. गुड. और इसमें क्या होता है कि डाइजेशन हेल्प करते हैं, ये लास्ट में खाते हैं. लंच करते करते ना खुद को भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो वो टेंगा और फिश कॉम्बिनेशन है ये टूवर्ड्स द एंड ही खाना चाहिए. हल्का हल्का खट्टा, बिकॉज इसके बाद फिर कुछ और मजा नहीं आएगा. गुड टूवर्ड्स द एंड. 10-15 मिनट में लंच फिनिश करते हैं और उसके बाद ऊपर चल के बैठेंगे और सराउंडिंग्स देखेंगे. डिस्टेंस तो ज़्यादा हमने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लैंड साइड पे हम आ ही चुके हैं. तो 10-15 मिनट और चलते हैं और उसके बाद हम सामने वहाँ उतर जाएंगे और फिर जो यहाँ पे सत्र है उसका क्या नाम है? ओनियत्री होत्र. ओनियत्री सत्र. अच्छा. तो मैं लास्ट टाइम जब माजुली गया था ना, वहाँ पर भी मैंने एक सत्र विजिट किया था और यहाँ चलकर भी सत्र विजिट करेंगे. रास्ते में मैंने कौशिक भाई से बात करी, हम ओनियत्री सत्र विजिट करना चाहते हैं, अकेले कैसे जाएंगे, तो आप हमारे साथ चलो. तो इन्होंने बात करके इनसे ऑर्गेनाइज करा और हम जब बोट से उतरे तो ये अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए थे. आपका एक बार नाम दोबारा बताइए. मेरा नाम सर नीतू मुनीदास सर. हाँ जी. तो ये आप गाइड भी हैं और टैक्सी भी चलाते हैं. हाँ जी, हाँ जी. इनकी गाड़ी देखो पीछे खड़ी हुई है. 4 किलोमीटर हमने सफ़र किया, मैंने बताया, यहाँ हम पहुँच गए हैं. जितनी जानकारी मेरे पास है, क्योंकि मैं 3 साल पहले जब माजुली आया था तो मैंने थोड़ा समझा था कि सत्र एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर टीचिंग्स दी जाती है और जो पढ़ने आते हैं वो मेडिटेशन भी करते हैं और साथ में डांस भी सीखते हैं, जिसको गायन बायन बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं याद कर रहा. तो आप ठीक ही बोल रहे हैं. आप जो बोल रहे हैं मतलब 100% ठीक ही बोल रहे हैं. अगर गुरुजी अवेलेबल हैं या जो भी टीचिंग देने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, और थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई डांस फॉर्म देख सकें तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, हम बड़े शॉर्ट नोटिस में हैं लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं. हाँ जी. मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ गुरुजी से. नमस्कार. हमारी इनसे मुलाकात हुई है तो यहीं पर ना नज़दीक में इनका रूम है सामने, तो एक बार आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं उसके बारे में, फिर अगर पॉसिबल हो सके तो हम गायन बायन देखना चाहेंगे, स्टूडेंट्स परफॉर्म कर दें या अगर आप जो भी अगर रास्ता निकल सकता तो. ठीक है, मेरा स्टूडन वहाँ पे है. ट्राई करेंगे. ओ धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया. अति उत्तम अति उत्तम. एक मतलब मैंने 2 मिनट में जो चीज़ नोटिस करी है, बड़े मन से आप इसको प्ले करते हैं, बजाते हैं, है ना. हाँ. ये बड़ी खास बात है. हमारा असम से जो रासलीला होता है वहाँ पे जो बॉक देखाना है, ये मुखा ये मार्क्स है, कृष्णा का वो कैरियर है. अच्छा. लो. अच्छा वाह. तो ये कौन से महीने में होता है? ये नवंबर श्री कृष्ण रासलीला जो हुआ है. हाँ हाँ हाँ. वहाँ पे ये है. वाह. हम गुरुजी के साथ नज़दीक में एक बिल्डिंग में आए हैं, यहाँ पर क्लासिकल डांस बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो साउंड हमें अंदर से सुनाई दे रही है. तो शूज़ उतार के अंदर जाएंगे. ठीक है. आइए जी. ता ता नी ता नी ता धे नी ता ता नी ता नी ता धे नी ता धे नी ता
तत्ता निता उड़ा भल के तत्ता निता नितनी तत्ता निता हई हई थका तत्ता किता धैया किता दीदी धैया किता किता धैया हई हई थका कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने मन से आप बच्चों को सिखाते हैं, और सबसे साथ में देखो बच्चे भी कितना लगन से सीख रहे हैं, मतलब हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आज का तो मतलब दिन बन गया हमारा। अगर कम शब्दों में बोलेंगे तो हमारा दिन बन गया, इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। अति उत्तम। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि अगर मैं 7-8 दिन के लिए गुवाहाटी आया होता, मतलब 10 दिन के लिए अगर आया होता, तो हर क्लास में 1 घंटे के लिए आ जाता। अच्छा इतना लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, हम कॉल हुए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुरु जी, हम नदी किनारे ही खड़े हैं ना। हाँ। एक बार व्यू देखने की कोशिश करेंगे अंधेरे में, अगर कुछ दिखाई दे तो। अच्छा, इतना तो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि नदी ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 100 मीटर हम नदी से दूर हैं। डे टाइम में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शांति है काफी यहाँ पर। बहुत शांति। हाँ, काफी शांति है। अच्छा गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने समय भी दिया और बहुत अच्छे से हमारा ये विजिट हमने इंजॉय किया। ठीक है, अभी हम फेरी लेते हैं और उस पार जाते हैं, क्योंकि 4:30 बजे की ना लास्ट रोप वे थी, तब वो टाइम तो निकल गया, तो अब हमको फेरी में जाना होगा। और वैसे ये जर्नी है जो नदी के उस पार जाने वाली, ज़्यादा लंबी नहीं है, 15 मिनट का सफ़र है। खाली क्या रोप वे हो जाता तो वो भी हम एक्सपीरियंस कर लेते। चलो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बाय। फेरी पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखो, उस साइड से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। अब फेरी यहाँ रुकेगी 15 मिनट के लिए, फिर हम इसमें जाएंगे। तो पर पैसेंजर जो किराया है ना, वो 3 रुपये, 3 रुपीस। लौट कर अभी हम फैंसी बाज़ार घाट तक वापस आ चुके हैं। पहले हमने प्लान किया था कि दोपहर में हम 2.25 घंटे का क्रूज़ करेंगे, उसके बाद रोपवे में नॉर्थ गुवाहाटी जाएंगे और वापस आएंगे। लेकिन लेट हो चुके थे तो हमने इनको बोलकर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली। हम नॉर्थ गुवाहाटी उतर गए, हमने 1-2 घंटे वहाँ बिताए, और क्योंकि हमारी वो रोपवे मिस हो गई तो अब कोई चॉइस नहीं थी, तो फिर हम इधर से आ गए, मतलब गवर्नमेंट फेरी लेके यहाँ पर आ गई, क्योंकि इनका जो क्रूज़ था मैंने बोला था आप ले जाइए, क्योंकि हमारा वापस आपके साथ नहीं जा रहे। वैसे अगर हम 2.25 घंटे जैसे इनके क्रूज़ पर ही करते तो हमारा जो वापसी होती वो क्रूज़ में ही होती। नज़दीक में फैंसी बाज़ार मार्केट है, कुछ देर चलकर फैंसी बाज़ार देखते हैं। लास्ट टाइम जब मैं 3 साल पहले आया था ना, मैं फैंसी बाज़ार जाना भूल गया था, मतलब मिस हो गया था। इस बार चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे डिनर। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। हम फैंसी बाज़ार आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस मनीषा से करवा रहा हूँ। हेलो। मनीषा का काम है नॉर्थ ईस्ट में टूर्स करवाना अलग अलग स्टेट्स में। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर आए हैं शर्मा स्वीट्स पे। ये शॉप आप देख रहे हो, मेरे को काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था यहाँ की ना लस्सी बहुत फेमस है, तो लस्सी पीनी थी हमको, लेकिन लस्सी यहाँ पीने का मेरा मन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ना घेवर मिल रहा है, तो घेवर तो ये पहले बना के रखते हैं, उसमें ऊपर से रबड़ी डालते हैं और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। लो मनीषा, आप भी लो। थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली घेवर ना राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में एक से एक बढ़कर हमने टेस्टी खाया, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बुरा है, लेकिन स्टिल गुड। ये ज़रूर बोलूँगा कि घेवर के ऊपर जो रबड़ी है ना, वो बड़ी स्वाद है। मोर देन घेवर, मेरे को रबड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, ओके। दोपहर से बड़ा मन हो रहा था मीठा खाने को। अच्छा, दैट वे हमारी फैंसी बाज़ार टूर की शुरुआत अच्छी हो गई है। ले लो ना आप एक। नहीं बस, ठीक है। चलो घेवर फिनिश करेंगे तो उसके बाद थोड़ा वॉक करते हैं। हाँ। और
देखते हैं फैंसी बाजार में क्या क्या मिलता है। अभी हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी केबिन, जो लक्ष्मी केबिन आप बोल सकते हो, वो 1942 एस्टेब्लिश है, बहुत ही पुराना है और मिठाई शॉप है। यहाँ का समोसा एंड मिठाई बहुत फेमस है। अच्छा। चलिए टेस्ट करते हैं लक्ष्मी केबिन। हाँ देखो यहाँ पर ना मिठाई में बहुत सारी ऑप्शंस थी, तो एक हमने लिया रसगुल्ला अपने लिए और दूसरा हमने लिया समोसा। समोसा तो यहाँ का बहुत फेमस है ऐसा सब लोग बोलते हैं। हाँ। तो पहले समोसा खाएंगे। ठीक है लो ना। हाँ ले आप चटनी लीजिए, ये इमली का बना हुआ होता है यहाँ का। अच्छा यहाँ पर समोसे को क्या बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज? हम लोग बोलते हैं सिंगरा, सिंगरा या सिंगोड़ा। सिंगोड़ा 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 या सिंगरा शॉर्ट। तो आप लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा समोसा आप लोग खाते हैं तो वो तो ज़्यादा मसालेदार होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा जैसे कि आपको पता है असमीज लोग कम मसाला पसंद करते हैं। मैंने भी अभी नोटिस किया कि मसाला बहुत हल्का है। बहुत हल्का है, हम लोग ज़्यादा मसाला वैसे भी नॉर्मल फूड में भी यूज़ नहीं करते हैं। और ये तो दुकान का सामान है, वैसे फिर भी मसाला कम ही मिलेगा आपको। अच्छा लगा? हाँ सही है। मैंने ये वाला रसगुल्ला क्यों लिया, क्योंकि मेरे को पता चला है यहाँ पे जो रसगुल्ला ये लोग बनाते हैं ना, ये इसमें जो गुड़ इस्तेमाल करते हैं वो खजूर से बनता है। राइट। तो ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। आमतौर पे रसगुल्ले में लोग चीनी डालते हैं, ये लोग खजूर से बना हुआ गुड़ डालते हैं। सॉफ्ट भी है वैसे रसगुल्ला, है ना? काफ़ी अच्छा रसगुल्ला खाने से ना इतना तो समझ में आता है कि इसमें चीनी नहीं है, गुड़ ही है। लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट आइडेंटिफाई कर पाना कि खजूर से बना हुआ गुड़ है, ऐसा मेरे को शॉपकीपर ने बताया। तो एक बार इनको बोलता हूँ मैं कि वो दिखा दें हमारे को अगर इनके पास गुड़ है तो। भैया गुड़ है आपके पास दिखाने को? ये वाला जो आपने रसगुल्ले में इस्तेमाल किया थोड़ा दिखाइए। वेरी गुड। देखो जी ये है गुड़ जिसकी हम बात कर रहे थे, खजूर से बना हुआ गुड़। भैया बिल बना दो हमारा। अभी ना 8:30 हो चुके हैं और काफ़ी सारी शॉप अभी बंद होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वॉक करते करते हमारे को एक शॉप खुली हुई देखी, तो अभी हम यहाँ पर अंदर आ गए हैं। भाई साड़ी में और स्टोल में आप सिल्क में कुछ डिज़ाइंस दिखा सकते हैं? तो सारे आपके पास यहीं क्या लोकल डिज़ाइंस है ना? लोकल डिज़ाइन ऐसा मुझे देखने से लग रहा है। ये आपका अच्छा सबसे ये क्या है? मुगा सिल्क। अच्छा नहीं ये साड़ी है? ये साड़ी है। ओके ये हो गया आपका मेखला चादर जो हम लोगों का असम का ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं। ये हो गया आपका 55,000। अच्छा मुगा मुगा क्योंकि इसमें डिजाइंस बहुत है। और ये पूरा हम लोगों का ट्रेडिशनल डिजाइन होता है। एरी और मलबरी में दिखाओ। मलबरी में शाइन काफी रहती है ना? शाइन होता है सर इसमें। जैसे अगर इसको कंपैरिजन उसके साथ करें तो इसमें बहुत शाइन है। शाइन होता है। प्राइस बता दे जो। ये आपका हो गया 7,500 स्टार्टिंग रेंज। सबसे ज्यादा महंगा सिल्क मुगा सिल्क होता है सर। ठंडे में जो यूज करते हैं ऐसे नॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं दुपट्टा बना के। एरी जनरली ठंड में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्राइस हो गया 2,000 रुपीज़। तो इसको जनरली क्या ड्राई क्लीन करना पड़ता है? ड्राई क्लीन कर सकते हैं। एक बार ये साड़ी अच्छे से दिखाओ, मेरे को बहुत पसंद आ रही है। कॉस्ट तो भयंकर है 55,000। तो कारीगर को तैयार करने में 20-25 दिन तो लग जाते होंगे। सही गुड। और स्टोल दिखा दो एक दो। एरी में दिखाना पूरा नेसल टाइप की है। अच्छा इसका आपका 2,000 रुपीज़ है। इससे बड़ा भी आता है जो आपका ब्रेथ थोड़ा सा बड़ा होता है वो शॉल होता है। स्टॉल है शॉल में आपका 500 रुपीज़ ज़्यादा होता है इससे। अच्छा नाइस एकदम सॉफ्ट है सर। मेरे को ये पर्टिकुलर डिज़ाइन बेहद पसंद आ रहा है, तो मैं देखता हूँ। अभी मैं ना बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? हाफ लॉन्ग जा रहा हूँ। उसके बाद पवित्रा जा रहा हूँ। रिटर्न में गुवाहाटी आऊँगा 4 दिन के बाद। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं वापसी में आ सकता हूँ आपके पास? तो मेरे को जो चीज़ पसंद आई है वो इस समय शॉल में अवेलेबल नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। हाँ
हाँ थैंक यू भैया सो नाइस ऑफ यू ओके नमस्ते बाय नमस्ते जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है ना वहाँ जाने के लिए थोड़ा वॉक कर रहे थे तो हमने ये स्टॉल देखा इस पे लिखा हुआ है 7 अलग अलग तरह के पानी है गोलगप्पे में तो हमने एक एक प्लेट ले ली है तो भाई बताते भी जाओ कौन कौन सा दे रहे हो ये रेगुलर है रेगुलर है पुदीना ये क्या पुदीना पुदीना लहसुन तो अब ना क्या करते हैं आपको इधर ही मैं बाय बाय कर देता हूँ और मनीषा थैंक यू सो मच वेलकम सर शाम के समय टाइम निकाल कर आए तो अब हमारा प्रोग्राम ये है कि आज रात को गुवाहाटी में रुकने वाले हैं कल मॉर्निंग में हम हैफलोंग जाने के लिए हैफलोंग बोलते हाफलोंग जाने के लिए हमने 6:30 बजे ट्रेन में टिकट बुक करवाई है 12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे मैं अराइवल चेक करूँगा फिर कल रात को वहीं रुकेंगे परसों हम दोपहर में चलेंगे और वापस गुवाहाटी आ जाएंगे और फिर मैं पवित्रा जाऊंगा तो ऐसा करके मैंने ये टूर के जो बाकी 4-5 दिन बचे हैं वो प्लान किए हैं ठीक है थैंक्स वंस अगेन वेलकम ठीक है और अभी के लिए मैं आपको बाय बाय कर रहा हूँ दिन आज का काफ़ी लंबा था सोचो सुबह गांधी मंडप जब हम गए थे अपने होटल से निकले तो 6:15 का टाइम था और इस समय 9:15 हो गए रात के तो सोचो ना कितना कितना लंबा टाइम हो गया 12 और 3 15 घंटे हो गए ठीक है बाय बाय जल्दी दोबारा मुलाकात होगी थैंक्स फॉर योर टाइम